Hey guys, welcome back to my channel. I'm Rupa and today I'm going to share coffee peel off mask and it helps you to remove your blackheads, whiteheads, your unwanted facial hair. और ये blackheads, whiteheads ना इसको हम कितना ही clean करें ये मतलब हर दूसरे दिन आ जाते हैं तो हमारे जहाँ पे जैसे हमारे नोज के अराउंड होता है, कभी कभी तो चिक्स पे भी होता है, चिन पे होता है एंड चेस्ट पे भी होता है. तो जहां जहां पे ये होता है ना वहां के स्किन के सरफेस के अराउंड ना सरफेस पे डार्क लगने लगती है हमारे स्किन. तो आज जो मैं रेमेडी बताने वाली हूँ ना इट इज वेरी इफेक्टिव फॉर ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स एंड फॉर फेशियल हेयर. तो 90% तो ये वर्क करेगा ही करेगा ब्लैक हेड्स पे, मतलब पक्का. तो इसमें ज्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं करूंगी मैं, कॉफी यूज होगा और कॉफी हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है और इसके बेनिफिट्स मैं आपको आगे बताती हूँ. ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं बताती हूँ कि इसमें क्या क्या यूज होगा. तो सबसे पहले आपको चाहिए एक बाउल, एक स्पून, एक कॉफी का पैकेट और जेलेटिन. ये आपको कोई भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएगा या फिर ऑनलाइन मिल जाएगा. मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी. फिर आपको चाहिए होगा मिल्क, कोई सा भी पुराना फ्लैट मेकअप ब्रश, लेमन के फ्यू ड्रॉप्स. ये ऑप्शनल है क्योंकि जेलेटिन में थोड़ी सी स्मेल आती है तो ये उस स्मेल को एक्सट्रैक्ट कर लेगा. फिर बाउल में आपको एक स्पून जेलेटिन लेना है. हाफ स्पून कॉफी लेना है और फिर इसको मिक्स कर देना है. और फिर इसमें 5 to 6 ड्रॉप्स लेमन डाल देना. मैं इसमें 2 स्पून मिल्क डाल रही हूँ और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देना है. मैं इसको माइक्रोवेव में रखूंगी 15 टू 20 सेकेंड्स के लिए, बट अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसमें हॉट मिल्क डाल देना और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देना तो ये वैसा ही पेस्ट बन जाएगा. इसके बाद आपको अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है, कोई मेकअप नहीं होना चाहिए. फिर मैं यहाँ पे अपने हेयर सिक्योर करने के लिए मैं हेयर बैंड लगा रही हूँ. उसके बाद मैं अपना फेस हॉट वेट टॉवल से पैट कर रही हूँ क्योंकि उससे इजीली ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स निकल जाते हैं. फिर उसके बाद वैसलीन लेना है और जहाँ जहाँ के हेयर मुझे रिमूव नहीं करने मैं वहाँ पे वैसलीन लगा दूंगी फॉर द सिक्योरिटी, क्योंकि बाय चांस अगर उस वहाँ पे मिक्सचर लग जाए तो वहाँ के बाल रिमूव हो सकते हैं. इसलिए सिक्योरिटी के लिए आप पहले ही वैसलीन लगा दें. तो मैं आईब्रोज पे लगाऊंगी, अपने साइड्स पे लगा लूंगी. जैसा कि आप देख सकते हैं ये मास्क यहाँ पे रेडी हो चुका है. ये इतना ही थिन रहेगा बट बी केयरफुल, ये ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए स्किन पे वरना ये बर्न कर सकता है आपके स्किन को. और मैं कैमरे में देख के नहीं लगाऊंगी, मिरर में देख के लगाऊंगी क्योंकि बहुत केयरफुली लगाना है ये. जैसे आईज़ के अराउंड, आई बैग पे नहीं लगना चाहिए ये मास्क क्योंकि वहाँ की स्किन हमारी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है. तो अब मैं इसके बेनिफिट्स बताऊंगी. जेलेटिन हमारी स्किन को टाइट, यूथफुल और हमारे स्किन से डेड सेल्स को रिमूव करता है. और इसमें मैंने मिक्स किया है मिल्क, तो मिल्क तो हमारे स्किन को मॉइस्चराइज रखता है. और मैंने इसमें ऐड किया है कॉफ़ी, तो कॉफ़ी हमारे स्किन को स्मूथ और ब्राइट करता है और कॉफ़ी प्रमोट करता है ब्लड सर्कुलेशन को और ये हमारे स्किन को हेल्दी और एनर्जाइज भी रखता है. और मैंने इसमें ऐड किया है लेमन, तो लेमन ऑप्शनल है, आपका मन है तो आप डाल सकते हैं. मैंने इसलिए डाला है क्योंकि जेलेटिन में थोड़ी सी स्मेल आती है तो वो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा और स्मेल थोड़ी कम आने लगती है उससे. देन आपको 20 टू 25 मिनट्स के लिए इस मास्क को छोड़ देना है ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए. ये ड्राई हो चुका है, मेक श्योर कि अच्छे से ड्राई हो जाए क्योंकि अगर हल्का सा भी ये वेट हुआ तो फिर ये बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है. तो अब मैं इसको अपने जॉ लाइन से स्टार्ट करूँगी निकालना और अपने चिन एरिया से स्टार्ट करूँगी निकालना. धीरे धीरे इसको निकालना है, या तो आप अपने स्किन को साइड से टाइट कर लें और फिर इसको निकालें. और जैसे वैक्सिंग होती है ना, अब बस इसको ऐसे खींचना है.
एंड गाइस इट इज पेनफुल। और ध्यान रहे कि इसका मिक्सचर थोड़ा सा थिक हो, क्योंकि अगर वो थिन होगा तो इतनी इजली नहीं निकलेगा। तो मेक श्योर आप अच्छे से थिक लेयर लगाएं उस पर। तो थोड़े थोड़े ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स निकले हैं, लेकिन कैमरा इतना फोकस नहीं कर पा रहा। उसके बाद आपको फेस वॉश कर लेना है नॉर्मल वाटर से, और उसके बाद कोई सा भी आपका सूटेबल टोनर आप यूज कर सकते हैं, और उसको हल्के हाथों से पैट करना। और जब ये अब्सॉर्ब कर ले हमारे स्किन वो टोनर, उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर लेना है, कोई सा भी सूटेबल जो आपकी स्किन पे सूटेबल हो। और जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई भी ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स नहीं दिख रहे हैं, फेशियल हेयर भी नहीं दिख रहे हैं। कितनी स्मूथ और क्लियर स्किन हो गई है मेरी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड घर पे जरूर ट्राई करना है। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एंड और हाँ, ये ना मतलब वॉइस के लिए भी इफेक्टिव है, लाइक अपने नोज पे यूज कर सकते हैं, चीक्स पे, फोरहेड पे एंड चिन पे। और हाँ, अपने बियर्ड पे मत लगा लेना, क्योंकि बहुत मुश्किल से निकलेगा वो। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।